नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हमारी आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा भर्तृहरि का मूल नाम भर्तृहरि है। राजा भर्तृहरि महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। प्राचीन समय में उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्वसेन थे और उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी के पुत्र थे विक्रमादित्य और उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि यानी भर्तृहरि। भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे, इसलिए राजा गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट उनके बड़े पुत्र भर्तृहरि को प्राप्त हुआ। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तृहरि की दो पत्नियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पिंगला से तीसरा विवाह किया। रानी पिंगला बहुत ही सुंदर थी और इसी वजह से भर्तृहरि तीसरी पत्नी पिंगला पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। आज की इस कहानी में हम ये जानेंगे कि इसी रानी पिंगला ने कैसे राजा भर्तृहरि को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया और गुरु गोरखनाथ जी द्वारा ली गई राजा भर्तृहरि की परीक्षाएं तो सच में बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोचक और हैरतअंगेज कहानी। कथाओं के अनुसार प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगर में भर्तृहरि नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान और बड़े प्रतापी राजा भर्तृहरि राज करता था। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी दो रानियां थी। एक दिन जब राजा भर्तृहरि एक घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक और राज्य आया। राजा भर्तृहरि जब उस राज्य में से गुजर रहे होते हैं तभी उन्हें एक बगीचे में एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई देती है। राजा की नजर उस स्त्री पर पड़ती है तो वह राजा के मन को भा जाती है और उसके मन में उस स्त्री से विवाह करने का विचार आता है। राजा भर्तृहरि अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो? राजा की बात सुनकर वो स्त्री राजा से कहती है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा उस स्त्री कहता है कि सुंदरी, मैं उज्जैनी का राजा भर्तृहरि हूँ। मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षक सुंदर रूप को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा भर्तृहरि उससे पूछता है, क्या तुम मेरे इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? तब वो सुंदर स्त्री राजा भर्तृहरि से कहती है कि हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे मेरे पूरे जीवन में पछताना पड़े। उस स्त्री की ये बात सुनकर राजा भर्तृहरि उसकी बात से सहमत हो गए। उस स्त्री के पिता उस राज्य के राजा थे। उसके बाद राजा भर्तृहरि उस स्त्री के पिता के पास जाते हैं। राजा भर्तृहरि उनसे कहते हैं कि महाराज, मैं इस राज्य के पास वाले राज्य उज्जैनी से आया हूँ। मैं वहाँ का राजा भर्तृहरि हूँ। मैंने जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी ये सुंदर और आकर्षक पुत्री दिखाई दी। आपकी पुत्री को देखकर मैं इससे प्रेम कर बैठा हूँ और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी पुत्री को अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद
उस स्त्री का पिता यानी वह राजा बहुत सोच विचार करता है और काफी सोच विचार करने के बाद राजा भर्तृहरि को अपनी पुत्री से शादी करने की इजाजत दे देता है। उसके बाद वह राजा अपनी पुत्री पिंगला और राजा भर्तृहरि का विवाह करवा देता है। राजा अपनी सुंदर पत्नी पिंगला को लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं। उस राजकुमारी से विवाह करके वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसके जैसी सुंदर स्त्री उसके राज्य में और कोई नहीं थी। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर अपने आप को बहुत भाग्यवान समझने लगे। राजा अपनी इस तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे। वे उस पर अंधा विश्वास भी करते थे। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी के मोह में पड़कर राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा भर्तृहरि अपनी आकर्षक और सुंदर पत्नी पर मोहित होने के कारण ठीक से अपने राजकाज के कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। इस तरह धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा भर्तृहरि अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। राजा जंगल में एक हिरण का शिकार करने के लिए तीर चलाते हैं और हिरण को घायल कर देते हैं। हिरण के शरीर के उस घाव से खून बहने लगता है। उस खून को देखकर राजा भर्तृहरि अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मैं पिंगला की एक परीक्षा लूंगा और ये देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी महारानी पिंगला भी मुझसे करती है। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा भर्तृहरि अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि सैनिक, मैं रानी पिंगला की परीक्षा लेकर ये देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है। अब तुम्हें एक काम करना होगा, मैं तुम्हें इस हिरण के खून में भिगोकर अपने कपड़े देता हूँ और तुम मेरे इन कपड़ों को लेकर जाओ और रानी पिंगला से कहो कि रानी साहिबा, जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है ये सुनने के बाद भी रानी पिंगला तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करें। अगर रानी पिंगला विश्वास ना करें तो तुम उन्हें मेरे दिए हुए खून से सने कपड़े दिखा देना। राजा भर्तृहरि की बात सुनकर वो सैनिक उनसे कहता है कि महाराज, मेरा इतना दुस्साहस नहीं है कि मैं जाकर रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सैनिक की यह बात सुनकर राजा उस सैनिक से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या फिर रानी की। राजा भर्तृहरि की बात सुनकर वो सैनिक दुविधा में पड़ जाता है। फिर वो राजा की बात मानकर राजा द्वारा दिए गए कपड़ों को अपने कपड़ों में अपने पीछे छुपाकर रोता हुआ राजमहल की तरफ चला जाता है। सैनिक राजमहल में जाकर रोते हुए रानी पिंगला से कहता है कि रानी साहिबा, अभी अभी कुछ ही क्षण पहले मैं और महाराज यहाँ से शिकार करने के लिए गए थे। हम जैसे ही जंगल में पहुँचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज पर झपट्टा मार दिया, उन पर आक्रमण कर दिया और जिस कारण महाराज की मृत्यु हो गई। रानी साहिबा, उसके बाद वह शेर महाराज को मारकर खा गया। उस सैनिक की ये बात सुनकर रानी पिंगला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। रानी क्रोधित होकर उस सैनिक से कहती है, मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर के झपट्टे में आकर मर गए
तुम कैसे बच गए? रानी पिंगला की यह बात सुनकर वह सैनिक भयभीत होकर कांपने लगा। वह रानी से कहता है, रानी साहिबा, जिस समय महाराज पर उस शेर ने आक्रमण किया था, उस समय मैंने एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपने प्राण बचाए थे। किसी तरह से अपने प्राण बचाकर मैं महल तक पहुंचा हूं। ये बातें सुनकर भी रानी पिंगला सैनिक की बात मानने से इनकार कर देती हैं और उसके बाद वह सैनिक राजा के खून से सने कपड़े रानी पिंगला को दिखाते हुए कहता है कि हे रानी साहिबा, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं ही महाराज जी के खून से सने हुए इन कपड़ों को देख लीजिए। इन कपड़ों को देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। महारानी पिंगला ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़े देखे तो उन्हें महाराज के मरने का विश्वास हो गया और उसी क्षण अपने पति के मरने के सदमे में रानी पिंगला की भी मौत हो गई। दूसरे दिन जब राजा भर्थरी अपने महल में वापस आते हैं, महल में आकर देखते हैं तो उसे अपनी सबसे प्रिय रानी मरी हुई मिलती है। राजा अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी और वह मुझसे कितना प्रेम करती थी। काश मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर ना दी होती तो रानी आज जिंदा होती। मेरे एक छोटे से झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे एक छोटे से झूठ के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद राजा अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे और राजा रानी की मृत्यु के कारण बहुत दुखी हो गया। जब राजा रानी के दुख में रो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसी समय वहां पर एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी वहां आकर अपना कमंडल जोर से नीचे फेंकते हैं तो वो कमंडल फूट जाता है। गुरु गोरखनाथ राजा से पूछता है कि राजन, तुम क्यों रो रहे हो? उसके बाद राजा उस साधु महाराज से कहते हैं कि महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु मैं अपनी पत्नी की ये परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी मुझसे करती है, और इसके चलते मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था और उस झूठ के कारण ही मेरी पत्नी ने अपने आप को मृत्यु का भोग बना लिया। अब मैं अपनी पत्नी की इस पतिव्रता को देखकर रो रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ जी राजा से कहते हैं कि अब इनकी मृत्यु का शोक करने का कोई फायदा नहीं है। वह अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करके कहते हैं कि देखो राजन, इस प्रकार मेरा ये टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता। उसी प्रकार अब तुम्हारी रानी भी जिंदा नहीं हो सकती। राजा गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं, गुरु जी आप ही कुछ करें, आप चाहें तो मेरी रानी को जीवित कर सकते हैं। राजा भर्थरी को अपनी बात न मानता देखकर गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस पत्नी को भी जिंदा कर दूंगा, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही गोरखनाथ जी के मुख से इस बात को सुना कि वह साधु महाराज उसकी पत्नी को जिंदा कर सकते हैं, उसी समय वह राजा गुरु जी के पैरों में पड़ गया और उनसे कहने लगा कि हे गुरु जी, आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो, आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं आपकी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी। उसके बाद
मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। जब राजा गोरखनाथ जी से उस शर्त के बारे में पूछता है तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर दूंगा। गोरखनाथ जी की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को महल में बुलाता है और उन्हें गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा ये घोषणा भी करता है कि जो भी कारीगर गुरु जी के कमंडल के जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने की लालच में सुंदर सुंदर कमंडल बनाए और किसी भी कारीगर द्वारा उन गुरुजी के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना। ये देखकर गोरखनाथ जी मना कर देते हैं तो वो राजा गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ता है और गोरखनाथ जी से विनती करते हुए कहता है कि गुरुजी, हम आपकी यह शर्त तो पूरी नहीं कर पाए, हम इसमें विफल रहे, परंतु आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा के बार बार मिन्नतें करने पर गोरखनाथ जी उस पर दया कर देते हैं और महारानी को फिर से जीवित कर देते हैं। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। गुरु गोरखनाथ जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो वह राजा इसे एक चमत्कार मानने लगा। उस दिन के बाद राजा अपनी पत्नी पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगा और अपनी पत्नी से पहले से भी ज्यादा प्रेम और विश्वास करने लगा। वह राजा अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि अपने राजकाज का सारा काम छोड़ बैठा और अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगा। राजा भर्थरी का एक छोटा भाई था जिसका नाम विक्रम था। राजा भर्थरी के इस तरह के व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई विक्रम बहुत परेशान रहने लगा। वह राजा को ये भी समझाने लगा कि भैया, आप मेरे बड़े भ्राता हैं और इस राजा के राजा भी हैं। आपका कर्तव्य है इस राज्य की रक्षा करना है, परंतु आप एक स्त्री के मोह में पड़ चुके हैं। आपको उस स्त्री के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता, परंतु वह राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना खो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा भर्थरी का छोटा भाई विक्रम अपने अस्तबल में जाता है। वहाँ पर कुछ घोड़े उसे बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। विक्रम उस सैनिक से मिलता है जो उनका ध्यान रखता था और उससे कहता है कि इन घोड़ों को ठीक तरह से भोजन भी खिलाते हैं। फिर भी ये सभी घोड़े दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? मैं ये कई दिनों से देख रहा हूँ, परंतु दिन ब दिन प्रत्येक घोड़ा कमजोर होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद वह सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताता है कि महाराज, मैं आपको सच ही बता देता हूँ। ये घोड़े दिन ब दिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो रानी साहिबा हैं, वह रात्रि के 2 बजे इनमें से कोई एक घोड़ा चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर ना जाने कहाँ जाती हैं और सुबह होने पर ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े को तेज गति से भगाते हुए लाती हैं, जिसकी वजह से घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं। इस तरह से ये सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक से यह बात सुनता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिर मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है। ये बात सोच सोच कर
वो बहुत परेशान होने लगा। उसके बाद विक्रम उस सैनिक से कहता है कि आज रात्रि के समय तुम यहाँ पर मत रहना। आज रात्रि में तुम्हारी जगह घोड़ों के पास मैं रहूँगा। घोड़ों की रखवाली मैं करूँगा। आज मैं देखता हूँ कि आखिर मेरी भाभी कहाँ जाती है और क्यों जाती है। उसके बाद राजा के छोटे भाई विक्रम ने उस सैनिक को वहाँ से जाने का आदेश दे दिया और स्वयं उन घोड़ों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं तो राजा का छोटा भाई विक्रम देखता है कि उसके भाई की पत्नी आती है और उन घोड़ों में से एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढकर उसके ऊपर बैठती है और जैसे ही जाने लगती है विक्रम उसके घोड़े के सामने आ जाता है और अपनी भाभी को जाने से रोक लेता है। तो रानी विक्रम से कहती है कि देवर जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आए हो? भाभी की बात सुनकर विक्रम उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उनसे सीधा एक ही सवाल पूछता है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी रात को किससे मिलने जा रही हो? विक्रम की यह बात सुनकर रानी हड़बड़ा जाती है। घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगता है, फिर भी वो विक्रम को कुछ नहीं बताती। रानी की चुप्पी देखकर विक्रम समझ जाता है कि यह कहीं न कहीं तो किसी से मिलने जा रही है। यह मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही है। विक्रम को देखकर रानी घोड़े से उतर जाती है और अपने महल में वापस जाकर सो जाती है। परंतु जैसे ही वो सुबह जल्दी उठती है तो वो रानी सोचने लगती है कि आज मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और वो मुझ पर भी शक कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी तो मेरे देवर विक्रम अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बातें बता देगा। वो उन्हें सारी बातें बताए तो क्यों ना उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की किसी भी बात का मेरे पति पर कोई भी असर न पड़े। उसे यही ठीक लगता है और उसके बाद वो रानी अपने त्रिया चरित्र को दिखाने लगती है। राजा भर्तृहरि के उठने से कुछ समय पहले रानी अपने बालों को खोल देती है। वो अपने कपड़ों को भी फाड़ लेती है और कक्ष में जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही राजा नींद से उठकर खड़ा होता है तो वो देखता है कि रानी जोर जोर से रो रही है। राजा भर्तृहरि रानी से कहता है कि हे प्रिय, आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा है? तब रानी चालाकी के साथ आंसू बहाते हुए अपनी बात कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारे भ्राता, तुम्हारे छोटे भाई विक्रम ने आज मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर अपनी गंदी निगाह डाली है। एक छोटे से झूठ के कारण उस रानी ने राजा के लिए अपनी जान भी दे दी थी। इसलिए राजा अपनी रानी पर पूर्ण विश्वास करता था। राजा को उसकी बात पर विश्वास भी हो जाता है। राजा भर्तृहरि जैसे ही इस बात को सुनता है तो वो अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाता है और उसे जोर जोर से डांटने लगता है। उसे इसकी सजा देने की बात करता है। फिर राजा सोचता है कि यह मेरा छोटा भाई है, इसलिए इसे मृत्युदंड देना तो अच्छा नहीं रहेगा। राजा अपने छोटे भाई विक्रम को कहता है कि विक्रम, तुमने आज अपनी माँ समान भाभी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये सजा देता हूँ कि आज से तुम इस राजा से दूर चले जाओ। अपने जीवन में कभी भी तुम इस राजा में वापस लौटकर मत आना। विक्रम जब अपने बड़े भाई के मुंह से यह आदेश सुनता है तो उनके आदेश का पालन करता है और वो वहाँ से दूर चला जाता है। परंतु जाते जाते विक्रम अपने बड़े भाई से कहता है
कि मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि तुम अपनी जिस पतिव्रता पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो, इससे बचकर रहना। इतना कहकर विक्रम उस राजा को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। उस रात फिर से रानी उस पुरुष से मिलने के लिए जाती है जिस पुरुष से मिलने वो पहले जाया करती थी। उससे मिलने पर वो उस पुरुष से कहती है कि तुम अब इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हारे पास इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी। हम एक काम कर सकते हैं। तुम ऐसा करो, कल सुबह राजमहल में आओ। राजमहल के अंदर आकर तुम मेरे पति यानी महाराज से महल में नौकरी के लिए आवेदन करना और उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तो हमारी रोजाना ही मुलाकात होगी। उस पुरुष से ये कहकर वह रानी वापस महल में आ जाती है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो रानी का वह प्रेमी महल में आता है। राजमहल में आकर राजा भर्तृहरि से निवेदन करने लगता है कि हे राजन, मैं आपके पास के राज्य के नगर से आया हूँ और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है। वो बहुत बीमार है और मुझे कहीं कुछ काम नहीं मिल पा रहा है। आप मेरी मदद कर देते तो मेरा घर का गुजारा भी चल जाता। मैं अपनी बूढ़ी माँ का ठीक से ख्याल रख पाता। वह रानी भी वहीं बैठी बैठी उसकी बातें सुन रही होती है। उसकी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगती है। उसके बाद राजा भर्तृहरि उसकी स्थिति को देखकर उसे अपने महल में काम करने का आदेश दे देता है। रानी के उस प्रेमी का नाम अश्वसेन था। अब अश्वसेन राजा का आदेश पाकर महल में काम करने लगा। जैसे ही रानी राजा से नजरें छिपकर कुछ पल के लिए दूर होती तो रानी अपने उस प्रेमी अश्वसेन से मिल लेती और इस तरह काफी समय तक चलता रहा। रानी अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि राजा अपनी पतिव्रता पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसे बहुत ही पवित्र माना करता था। राजा भर्तृहरि को ये पता नहीं था कि जिसको वह इतना प्रेम करता है वो उसी की आंखों में धूल झोंक रही है। उसके बाद एक दिन राजा भर्तृहरि फिर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करता है तो राजा को जंगल में वही संत तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी दिखाई देते हैं जिन्होंने रानी को जिंदा किया था। गुरु गोरखनाथ जी को देखकर राजा भर्तृहरि उनके पास जाते हैं, प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी राजा के मुख की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर, तुम्हारे इस आकर्षक मुख को देखकर बहुत ही परेशान हूँ और तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। राजा द्वारा उचित आदर सत्कार के कारण तपस्वी गुरु अति प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि को एक अमर फल दिया और कहा कि तुम इस फल को ग्रहण करो, ये खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। राजा उस फल को गुरु गोरखनाथ जी से ले लेते हैं। ये चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ जी वहाँ से चले गए। फल को लेकर राजा भर्तृहरि सोचने लगते हैं कि अमर होकर मैं क्या करूँगा, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। अतः उन्होंने सोचा
कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे एक बार झूठ बोलने पर मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। इसलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए। मेरी पत्नी को ही अमर होना चाहिए। यदि वह इस फल को खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। उसके बाद वह राजा गुरु गोरखनाथ द्वारा दिए गए फल को महल में आकर अपनी पत्नी पिंगला को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि रानी, तुम इस फल को खाओ। ये फल अगर तुम खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु भी कभी नहीं होगी। ये कहकर राजा भर्तृहरि उस फल को रानी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उस राजा के कोतवाल पर मोहित थी। ये बात राजा नहीं जानते थे। राजा से उस फल को लेकर रानी सोचती है कि इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी? मैं अमर होकर क्या करूंगी? क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी कोतवाल अश्वसेन से करती हूँ। इसलिए इस फल को मेरे कोतवाल प्रेमी अश्वसेन को ही खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए। उसके बाद रानी उस फल को अपने प्रेमी कोतवाल को दे देती है। वह कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था। जैसे ही कोतवाल उस चमत्कारी फल को अपने हाथ में लेता है तो कोतवाल सोचने लगता है कि आखिर मैं अमर होकर क्या करूंगा? मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए। वह सोचता है कि मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका उस वेश्या को देना चाहिए जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद वह कोतवाल उस फल को वेश्या को देने चला जाता है और जाकर उससे कहता है कि तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि यह बहुत चमत्कारी फल है। इस फल को खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। ये कहकर कोतवाल अपनी प्रेमिका को फल दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो वैश्या उस चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है कि आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूँगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिद्धि हासिल कर लूँगी? मुझे नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। इस फल को मुझे इस राज्य के राजा को देना चाहिए, क्योंकि वह इस राजा के पालक हैं। सबका ध्यान रखते हैं। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। इसलिए इस चमत्कारी फल के सही हकदार वही हैं। उस वेश्या को ये बात नहीं पता थी कि यह फल एक संत महात्मा ने उस राजा भर्तृहरि को ही दिया था और राजा भर्तृहरि ने उस फल को अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। उसके बाद उस फल को रानी पिंगला ने अपने प्रेमी कोतवाल को दिया था और कोतवाल ने उस फल को अपनी प्रेमिका उस वेश्या को दिया था। उस फल को देखकर वेश्या यही सोच रही थी कि इस फल को उसे अपने राजा को दे देना चाहिए। वह वेश्या चमत्कारी फल को लेकर राजमहल में पहुंच जाती है और राजा भर्तृहरि के पास जाकर कहती है कि हे राजन, मैं आज इस दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ। राजा ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है, तो वेश्या कहने लगती है कि महाराज, आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है, वो अमर हो जाता है। उसकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ जाते हैं और वह सोचते हैं कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें संत महात्मा ने दिया था। और जैसे ही वह वैश्या राजा को उस फल को देती है, राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह जाता है।
फल को देखकर राजा भर्तृहरि समझ जाता है कि यह तो वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था और मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था। उसके बाद राजा उस वेश्या से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या फल किसने दिया? तो वह वेश्या राजा से डरकर कहती है, महाराज ये फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल अश्वसेन ने दिया था जो आपके दरबार में काम करता है। उसके बाद राजा कोतवाल को दरबार में बुलाते हैं और उन्हें गुस्से से पूछते हैं, ये फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? कोतवाल महाराज के गुस्से को देखकर डर जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज अगर आप बुरा ना मानो तो ये फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। और कोतवाल से जवाब सुनकर राजा हड़बड़ा जाता है और बहुत परेशान हो जाता है और यह सोचकर चिंतित होने लगता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उस पर बहुत विश्वास करता था। उसके बाद वह अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिया, मैंने तुम्हें ये फल दिया था, परंतु ये फल इस कोतवाल के पास कैसे आया? राजा की बात सुनकर रानी भी घबरा जाती है। वह राजा के पैरों में गिर जाती है। रानी पिंगला राजा भर्तृहरि से कह देती है कि महाराज ये सत्य है कि मैं इस कोतवाल से प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो भी कहा था वो भी सच था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी कोतवाल से मिलने के लिए जाती थी। ये सारी बातें सुनकर राजा भर्तृहरि बहुत पश्चाताप करने लगता है। उसके बाद राजा सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढने का आदेश देता है और विक्रम को बुलाकर अपने गले से लगाकर कहता है कि मेरे भाई मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। इस भूल का मैं किस तरह से पश्चाताप करूंगा? राजा अपनी पत्नी को, उसके प्रेमी कोतवाल को और उस वेश्या को कारागार में डाल देता है और पत्नी पिंगला के धोखे से राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रम को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। राजा भर्तृहरि ने उस गुफा में वर्षों तक तपस्या की। राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। ये सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। ये पंजे का निशान काफी बड़ा है जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कद काठी कितनी विशालकाय रही होगी। उज्जैन के राजा भर्तृहरि के पास राजा और उसके परिवार और उसके अतिथियों के लिए भोजन बनाने के लिए 365 पाक शास्त्री यानी रसोइये थे। एक रसोइये को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था। अगर आप ये जानेंगे कि राजा की उसके गुरु गोरखनाथ ने किस प्रकार परीक्षा ली थी तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस दौरान राजा भर्तृहरि जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए थे तो भिक्षा मांगकर खाने लगे थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चयी है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये तो राजाधिराज हैं। इनके यहाँ 365 तो बावर्ची रहते थे। ऐसे भोग विलास के वातावरण में से आए हुए राजा कैसे काम, क्रोध, लोभ रहित हो गए?
अपने शिष्यों की यह बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने भर्थरी से कहा, भर्थरी जाओ, भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। राजा भर्थरी नंगे पैर गए। जंगल से लकड़ियां एकत्रित करके सिर पर बोझ उठाकर ला रहे थे। गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा कि जाओ उसको ऐसा धक्का मारो कि बोझ गिर जाए। चले गए। उन्होंने ऐसा धक्का मारा कि बोझ गिर गया और भर्थरी भी गिर गए। भर्थरी ने बोझ उठाया लेकिन न चेहरे पर शिकन, न आँखों में आग के गोले, न होंठ फड़के। गुरु जी ने चेलों से कहा, देखा, भर्थरी ने क्रोध को जीत लिया है। शिष्य बोले, गुरु जी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरु जी ने योग शक्ति से एक महल रच दिया। गोरखनाथ जी भर्थरी को महल दिखा रहे थे। सेवक और युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन आदि से उनका आदर सत्कार करने लगे। भर्थरी युवतियों को देखकर कामी भी नहीं हुए और उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए। चलते ही गए। गोरखनाथ जी ने शिष्यों से कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो ही गया है कि भर्थरी ने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक परीक्षा और लीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने भर्थरी को बुलाया और कहा, भर्थरी, हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जाओ, तुमको एक महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भर्थरी अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लांघते लांघते राजस्थान की और भूमि में पहुँचे। धधकती बालू, कड़ाके की धूप, मरुभूमि में पैर को तो बस जल जाए। एक दिन, दो दिन यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय चेलों को भी साथ लेकर वहां पहुंचे। गोरखनाथ जी बोले, देखो, ये भर्थरी जा रहा है। मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूँ। वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठेगा। अचानक वृक्ष खड़ा कर दिया गया। चलते चलते भर्थरी का पैर वृक्ष की छाया पर आ गया तो ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। मरुभूमि वृक्ष में कैसे आ गया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरु जी की आज्ञा थी। मरुभूमि में यात्रा करने की कूदकर दूर हट गए। गुरु जी प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे गुरु की आज्ञा मानता है। जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा वो मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी दिल ही दिल में चेले की दृढ़ता पर बहुत खुश हुए लेकिन और शिष्यों के मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरुजी, ये तो ठीक है लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्थरी से मिले और बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भर्थरी बोले, नहीं, मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि नंगे पैर मरुभूमि में चलूं। गोरखनाथ जी ने सोचा कि अच्छा, कितना चलते हो देखते हैं। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए। ऐसी कंटीली झाड़ी कि उनका फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाया हुआ वस्त्र फट गया। पैरों में शूल चुभने लगे। फिर भी भर्थरी ने आह तक नहीं की। भर्थरी तो और अंतर्मुख हो गए। ये सब सपना है। गुरु जी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है। ये भी गुरु जी की कृपा है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे
भर्थरी के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार तो भर्थरी ने उसकी ओर देखा और तुरंत ख्याल आया कि कहीं गुरु आज्ञा भंग तो नहीं हो रही है। उनका इतना सोचना ही हुआ कि सामने से गोरखनाथ जी आते दिखाई दिए। भर्थरी ने दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी बोले, शाबाश भर्थरी, वर मांग लो। अष्ट सिद्धि दे दूं, नव सिद्धि दे दूं। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए। युवतियां तुम्हारे चरण पखारने के लिए तैयार थी, लेकिन तुम उनके चक्कर में नहीं आए। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। भर्थरी बोले, गुरुजी, बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तप सब सफल हो गए। गोरखनाथ जी बोले, नहीं भर्थरी, अनादर मत करो। तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। गुरु की यह बात सुनकर भर्थरी सोच में पड़ गए कि मैं अब क्या करूं। इतने में उनकी नजर रेत में पड़ी एक चमचमाती हुई सुई पर पड़ी। उसे उठाकर भर्थरी बोले, गुरुजी, कंठा फट गया है। सुई में ये धागा पारो दीजिए ताकि मैं अपना कंठा यानी वस्त्र सी लूं। गुरु गोरखनाथ जी और खुश हुए कि हद हो गई। कितना निरपेक्ष है अशुद्धियां नवनिधि। हाँ, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो बोलता है कि सुई में धागा डाल दो। गुरु जी का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं की। भर्थरी, तुम धन्य हो गए। आज भी उज्जैन में भर्थरी की गुफा स्थित है। इसके संबंध में यह माना जाता है कि यहाँ भर्थरी ने तपस्या की थी। ये गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में है। गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो हमें सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई काफी कम है, अतः अंदर जाते समय काफी सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि पहले गुफा से छोटी है। ये गोपी चंद की गुफा है जो कि भर्थरी का भतीजा था। यहाँ प्रकाश भी काफी कम है, गुफा में अंधेरा दिखाई देता है। यहाँ की छत बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। गुफा के अंत में राजा भर्थरी की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धामों का रास्ता है। गौर से देखने पर आपको गुफा के अंत में एक गुप्त रास्ता दिखाई देगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से चारों धामों को रास्ता जाता है। गुफा में भर्थरी की प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।